नमस्कार कहना ही भारतीय संस्कृति में योग्य है, ऐसे मुझे लगा। सभी को अभिनंदन। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन विषयों के बारे में प्रकाश डाला है, आपको डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी तो बार बार बधाई दिए हैं। हम सबकी आवाज़ उनकी आवाज़ से जुड़ी हुई है, और एक बार आप सबको हार्दिक बधाई। और आपको मंच पर विराजमान डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, डॉक्टर उन्नत पंडित जी, मनमोहन चावला जी, प्रोफेसर सिद्धू जी, प्रोफेसर हसन जी, इस सभागार में उपस्थित मधुप्रीत जी, यहाँ और भी कई महानुभाव हैं, मनोहर कुमार जी, डॉक्टर शिवाजी जी, और बहनों और भाइयों, मैं यहाँ मंच माइक के पास आया तो खड़े होने के लिए कहा, तो मुझे लगा कि मैं तो आपके जैसे एक सामान्य आदमी हूँ, और आपके जैसे सामान्य आदमी हूँ कह रहा हूँ, लेकिन आप असामान्य हैं, इसलिए खड़ा होना चाहिए मुझे आपके सम्मान में, गौरव में, क्योंकि देश के भविष्य को निर्माण करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, जो भविष्य के निर्माण करने के लिए अपने प्रतिभा को उस दिशा में, जैसे अभी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा, लोगों के समस्याओं को दूर करने की संवेदना को रखते हुए उसके लिए तंत्र ज्ञान के, टेक्नोलॉजी के, साइंस के कैसे हम उपयोग करें, ऐसे न केवल सोचने वाले लेकिन उसके लिए 24/7 काम करने की प्रेरणा उन्होंने आपको दी है, तो उस प्रकार का संकल्प करने वाले लोगों के लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ। नमस्कार मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तो एक विशेष कारण था कि मैं इस कैंपस में पहली बार पदार्पण किया, मैंने तो बहुत आनंदित हूँ, हर्षित हूँ, स्वयं को मैं धन्य मानता हूँ, क्योंकि ऐसे एक शैक्षिक परिसर में और युवा प्रतिभाओं के बीच में, और उस युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने जीवन में कार्य किया, ऐसे गुरुजनों के बीच में कुछ समय बिताने का एक अवसर प्राप्त हुआ। वैसे देखा तो मैं सैकड़ों विश्वविद्यालय में, उनके परिसरों में, भारत में और अन्य देशों में कई बार जा चुका हूँ, लेकिन हर बार जब मैं ऐसे शिक्षा के परिसर में आता हूँ तो मुझे एक रोमांच होता है, और भविष्य के बारे में विश्वास मेरे हृदय में जागता है। अन्य देशों में भी मैं जब किसी काम से जाता हूँ तो वहाँ के मेरे मित्रों से मैं कहता हूँ, वो कहते हैं क्या देखना चाहते हो, तो सामान्यतः अन्य देश में देखने के लिए साइट सीइंग प्लेसेस होते हैं, मैं सामान्यतः कहता हूँ कि मुझे दो चीज़ें देखनी हैं, एक आपके देश के कोई एक स्कूल विद्यालय, और एक आपके देश के कोई गाँव विलेज, क्योंकि किसी भी देश में गांव कैसे हैं और विद्यालय कैसे हैं यह टेस्टिंग है, वो देश कैसे हैं ये करने सोचने के लिए, तो इसलिए मैं वो देखना चाहता हूँ। माल देखना, मार्केट देखना, सिनेमा देखना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, इससे देश कैसा है समझना, और को करते होंगे, लेकिन मेरे समझ में मैं एक गाँव देखने से और एक विद्यालय देखने से, वहाँ के बच्चों से मिलने से उस देश के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए शिक्षा परिसर में, विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में जब मैं आया तो कुछ सीखने के लिए आया, आपको सिखाने के लिए नहीं आया, आपको बताने के लिए नहीं आया, मैं कुछ यहाँ सीख के जाऊँ इस दृष्टि से मैं आया। और एक कारण था, इस विश्वविद्यालय के जो चांसलर श्रीपद राम बहादुर राय जी हैं, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, वो अस्पताल में हैं, उनके स्वास्थ्य के शुभकामनाएं मैं देता हूं, आप सबकी ओर से वो जल्दी ही अस्पताल से मुक्त होकर अपने नॉर्मल जीवन में आए जाएं, इस दृष्टि से मैं आप उनके
स्वास्थ्य के शुभकामनाएं देता हूं। राय साहब, राम बहादुर राय जी, जिनको हम राय साहब कहते हैं, मेरे विद्यार्थी जीवन से मैंने उनको देखा है, उनसे सीखा है, उनसे प्रेरणा ली है और देश में परिवर्तन लाने के लिए एक क्रांति के बीज डालने वाले में राय साहब रहे हैं। मैं उस इतिहास में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, जो हिंदुस्तान में लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन के इतिहास जो जानते हैं, जो आगे जाकर आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, उस आंदोलन की शुरुआत में कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कुछ तरुणों के उस समय भी तरुण थे, यदि हाथ है, भूमिका है, वह उन प्रमुख लोगों में से राम बहादुर राय जी एक थे। तो इसलिए जब उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम के तुमको आना है, वैसे मुझे आज दिल्ली में नहीं आना था, दूसरी जगह जाना था, लेकिन राय साहब के आदेश के सामने मैं कुछ नहीं कर सका, मैं आया। लेकिन उनको इस कार्यक्रम में नहीं पाने से थोड़ा मन को भी दुख लगता है, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं था। मित्रों, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, सिनर्जी 2019 के संदर्भ में, और आप लोगों के प्रतिभा और इसके क्या महत्व है, इन बातों, इन विषयों के बारे में हमारे अन्य अतिथियों ने आपके सम्मुख का विचार रखा ही है। भारत एक करवट ले रहा है, इस एक महत्वपूर्ण चरण पर आप लोग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के रूप में, भारत के भविष्य के निर्माता के रूप में, आप और आपकी पीढ़ी के लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में आज हैं। तो इसलिए आप करने में जो कर रहे हैं वो इतने उसके महत्व है, इसके बारे में आपने बताए हैं। मैंने कहा देश करवट रहा है तो भारत एक दुनिया के राष्ट्र मालिका में एक प्रमुख स्थान पाने की स्थिति में, हर क्षेत्र में वह महत्वपूर्ण कदम आगे रख रहा है। देश में बुद्धि की कमी नहीं, चीजों की कमी नहीं है, प्रेरणा और संकल्प की भी कभी कभी कमी होती है, लेकिन आज वो भी भरपूर है और समस्याएं भी भरपूर हैं, चुनौतियां भी काफी हैं, ताकि चुनौती है, समस्या है तो लड़ने के एक उत्साह रहता है, तो वो भी है। देश के नेतृत्व भी ऐसे हैं। तो इन सभी के कारण एक डेवलपिंग कंट्री कहने वाले देश, विकसनशील देश, मैंने डेवलपिंग कंट्री कहना, अचीव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सैनिटेशन मिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 110 मिलियन टॉयलेट्स इन जस्ट 5 ईयर्स, इट गिव्स ए कॉन्फिडेंस टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। व्हेन ए डेवलपिंग कंट्री कैन रन ए वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम गिविंग 500 मिलियन पीपल फैसिलिटीज ऑफ 500,000 रुपीज फॉर फ्री ट्रीटमेंट, इट शोज ए न्यू पाथ। इन 5 ईयर्स टाइम व्हेन ए डेवलपिंग कंट्री कैन अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम ऑफ 370 मिलियन बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीज छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत एक नए दिशा पर जाने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी आयु के, कहीं भी रहने वाले, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी शास्त्र के अध्ययन करें, किसी भी ज्ञान की शाखा में वो विद्यार्थी रहें, हम सबके एक सपना है भारत को दुनिया के सिरमौर बनाना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन ये तो अपने आप को होगा नहीं,
इसलिए जो मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, एक संकल्प चाहिए और मिलकर काम करने के एक स्वभाव चाहिए, टीम वर्क। और जो मैं कर रहा हूं वो देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो, दीर्घ काल तक उपयोगी हो, यह भी चाहिए। आज सौभाग्य से ये सब हैं, तो इसलिए लगता है जब न्यू इंडिया की बात होती है, इस नव भारत के निर्माण के दृष्टि से सिनर्जी 2019 जैसे कार्यक्रमों के एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए इसके आयोजन के पीछे प्रोफेसर सिद्धू और उनके टीम, आप सभी और इस विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख लोग, ट्रस्टीज, इन सब के महत्वपूर्ण भूमिका है। बार बार इसको उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं कहता हूँ इस कार्यक्रम के का ऐसे सिग्निफिकेंस है, तो वह एक मील के पत्थर तो साबित हो गया, जैसे डॉक्टर सहस्रबुद्ध जी ने कहा। और आपको इस विषय में व्यक्तिगत तौर पर टीम के नाते आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर उन्नत पंडित ने कहा ही है। ये दोनों महानुभावों को मैं विद्यार्थी जीवन से जानता हूं, तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर जब मैं इन लोगों के साथ पहली बार ऐसे किसी मंच पर मैं बैठा हूं, जिनको मैंने विद्यार्थी जीवन से देखता था, विद्यार्थी के नाते देखा था, ऐसे लोग आज देश के इंजीनियरिंग शिक्षा के जो संस्थान है उसके प्रमुख के नाते एक, और अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब के प्रमुख के नाते दूसरे, तो इससे देश के इन दोनों प्रमुख क्षेत्र के नेतृत्व दे रहे हैं लोगों को जब मैं देखता हूं, और इन्होंने जिस यात्रा को करके आए हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को जानता हूं, तो देश के भविष्य के जो बारे में वो जो बता रहे हैं उसके महत्व को मैं समझता हूं। इसलिए उनके एक एक वाक्य में वह विश्वास भी है, वह परिश्रम भी है, वह सपना भी है, वह मार्गदर्शन भी है, और करके दिखाएंगे यह संकल्प भी है। मित्रों, अभी हम हिंदुस्तान के इतिहास के दो महानुभावों को इस वर्ष स्मरण किए हैं, गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश वर्ष देश में मनाए हैं, महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष की जयंती अभी अभी अक्टूबर 2 तक हम मनाए हैं। इन दोनों महानुभावों को इस समय उल्लेख करने के एक विशेष कारण इसलिए है क्योंकि इस विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत इस विश्वविद्यालय के नाम में ही है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के ट्राइसेंटेनरी में विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ, तो इसलिए इसके पीछे जिन लोगों ने विचार किया है, देश, समाज और मानवता के बारे में सोचने वाले महापुरुषों को सामने आदर्श के रूप में रखकर इन्होंने इस कार्य का शुभारंभ किया होगा, ऐसे पक्का है, भी मेरा विश्वास है। और जो लोग लगे हैं वो इसमें राष्ट्र के निर्माण में हम अपने योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में दिन रात सोचे हुए लोग इस क्षेत्र में, हम शिक्षा क्षेत्र में, उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक विशेष योगदान के उपलब्धि के रूप में ऐसे एक कार्य को इन्होंने न केवल प्रारंभ किया, इस मंजिल तक पहुंचाए हैं और आगे के भी पथ को उन्होंने प्रशस्त किया ही है। टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसको कैसे अनुसंधान, आविष्कार, अन्वेषण इन चीज़ों से करने चाहिए, इसके संदर्भ में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो मेरा प्रमुख क्षेत्र नहीं है। यद्यपि
कुछ बातें मैं समझता हूँ, देखता हूँ। मैं कुछ आपके सम्मुख का और कुछ चैलेंजेस के बारे में रखना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी के चैलेंज को आप सामना करेंगे और उसे रास्ता निकालेंगे और समाज के लोगों के समस्या चुनौती रोजमर्रा के जीवन में जिसकी आवश्यकता है वो करना ही चाहिए, वो बिल्कुल ठीक ही है। कि मैं आपको कहूँगा कि कई बार भारत में गांव के बारे में जब कहते हैं, गांव यानी क्या है? अशिक्षा, गरीबी, अनसिविलाइज्ड और लेस सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, असभ्य अनागरिक लोग ही रहते हैं, तो इसलिए पुअर है, अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड और लेस सिविलाइज्ड है। इसके सिनोनिम क्या है आज भारत के गांव? क्यों भाई? गांव इज इक्वल टू गरीबी, ऐसे क्यों हो गया? ये किसने बनाया? ऐसे क्यों होना चाहिए? क्या इसको हम बदल नहीं सकते, इस परिभाषा को, इस कल्पना को? भारत हमेशा तो ऐसे नहीं था। तो इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, तो भारत में 6 लाख 5 लाख 6 लाख गांवों में था। महात्मा गांधी जी कहते थे ये भारत के गांव तो यहाँ के प्राण है। तो गांव के देश सोने की चिड़िया था, तो गांव गरीब हो गया। दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना के 1800 तक हिंदुस्तान में रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखे हैं ब्यूटीफुल ट्री, इस वर्ष ब्यूटीफुल ट्री के शब्द को भारत की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया। एंशंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज कॉल्ड बाय हिम एज ए ब्यूटीफुल ट्री। 1800 तक हिंदुस्तान में लोगों के साक्षरता के दर दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा था। ऐसे नहीं कि हम लोग अशिक्षित रहे, तो इसका अर्थ गांव के लोग भी शिक्षित ही थे। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ, तो इसलिए इसको हमें आज विचार करना चाहिए। अब शहर है, शहरों में तो सुविधाएं हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में क्या हुआ है? स्लम्स क्रिएट किए, रोजगार के लिए, जीवन निर्वहन करने के लिए जो गांव से, दूर दराज के क्षेत्र से शहरों में आए हुए लोग गरीबी के कारण रहना मुश्किल होता है, काम करते, तो शहर यानी हर शहर स्लम्स से भरा हुआ है। आप देखिए, दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, कोलकाता देखिए, हैदराबाद देखिए, बंगलुरु देखिए, पोल्यूशन कहाँ है? शहर के जीवन में है। ट्रैफिक जाम यहां है, क्राइम्स कहां है? शहरों में है। यानी जीवन को सुखी बनाने के लिए आप शहर में आए लोग, तो शहर को क्राइम्स के, स्लम्स के, ट्रैफिक जाम के, पोल्यूशन के केंद्र बनाया। गांव को तो गरीबी, अशिक्षा, असभ्य, अनागरिक केंद्र बनाया। हुआ क्या भाई? ये सोचने का विषय। इस बीच में भारत को नव भारत निर्माण करने का सिनर्जी 2019 जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले नौजवान, भारत के भविष्य के निर्माता युवक युवतियां, आप सपना देख रहे हैं जिसके जो महत्व है, इसके बारे में हमारे मित्रों ने, अतिथियों ने आपके सम्मुख कहा कि मैं इसलिए ये महत्व है। हमें इस चित्र को, इस तस्वीर को बदलना है। एक व्यक्ति एक सरकार के काम नहीं है, दो चार पॉलिसी की बात नहीं है, वो सबके महत्व है, लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदय के संकल्प बने, आंखों के सपने बने, अपने हाथ पैर के परिश्रम बने, बुद्धि के विलास बने,
दूसरों के साथ काम करने के एक आदत बने, स्वभाव बने, यही तो आवश्यक है। तब हम एक नव भारत को देखने में हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे। बहुत सारे चीज़ों के बारे में कह सकते हैं। तो कुछ समय पहले ग्रामीण प्रदेश के संदर्भ में प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया ऐसे पूरा करके वो योजना कहाँ तक चली गई मुझे मालूम नहीं। अब शहरी क्षेत्र में पानी के छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्र के पानी भी प्रदूषित है, ऐसे स्थिति हो गई। देश में वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़े दुनिया में, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के उपयोग करने में हमें जीवन के इन समस्याओं के बारे में, जैसे आपने अभी हमने स्टॉल्स में देखा, जीवन के एक 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 प्रश्न को लेकर हमारे नौजवान मित्रों ने, बहनों ने, हाँ भाई जीवन के ये प्रश्न हो सकता है, इसको हम उत्तर निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ऐसे करते हुए एक 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 मॉडल, एक एक प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, वह ये सिद्ध करता है हमारी एक संवेदना है। प्रश्नों को ढूंढने के, उसके अवलोकन करते हुए, उस पर अध्ययन करते हुए हम कैसे उसके लिए करेंगे। और हर एक प्रोजेक्ट, हर एक मॉडल जो आपने बनाए हैं वो एक टीम वर्क से बना हुआ है। तो इसलिए ये जो विचार भारत के निर्माण के लिए आधारभूत चीजें हैं, तो इसको करते हुए हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी केवल उतना ही करना ऐसे नहीं है। किसी भी समाज के लिए, मानव के सुख के लिए, सभ्यता के विकास के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी को संपूर्ण उपयोग करना चाहिए, मनुष्य की प्रतिभा इसी में है। परंतु टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनुष्य जीवन, केवल मनुष्य टेक्नोलॉजी के कारण नहीं रह सकता। माँ और बेटे का संबंध, भाई बहनों के रिश्ता, ये टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है, एक वात्सल्य के कारण है, एक प्रेम के कारण है, एक दूसरे के प्रति के हमारे कर्तव्य के कारण है। मनुष्य के एक पड़ोसी धर्म होता है। मैं एक जगह रहता हूँ तो मेरे आसपास के लोगों के साथ मुझे कैसे रहना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी नहीं सिखाती। बड़ों के प्रति नतमस्तक होकर हम सम्मान करते हैं, ये टेक्नोलॉजी नहीं सिखाती। संकट में रहने वाले, गरीब रहने वाले, निर्धन व्यक्ति, दुख में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदना, ये टेक्नोलॉजी नहीं सिखाती। मनुष्य के अंदर के मानवता, हमें घर में, शिक्षा में, समाज के द्वारा मिले हुए संस्कार, इसके कारण मनुष्य मनुष्य बनता है। केवल टेक्नोलॉजी के पीछे हम रहेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़कर मनुष्य मनुष्य ही बने रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको युद्ध भी, युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्र, वेपन्स वो दे सकते हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपको आनंद देने वाले संगीत को दूर दूर तक ले जाने के लिए जो उपकरण चाहिए उसको भी दे सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करेंगे यह निर्णय करने का, निर्धार करने का, इस रास्ते को चॉइस करने के, वह काम मनुष्य करता है। इसलिए टेक्नोलॉजी के विकसन करने के बाद भी उसको जुडिशियसली उपयोग करने का, कहां उपयोग करना, कैसे करना, इसके जो है वह मनुष्य के बुद्धि और मनुष्य के हृदय वो करते हैं। इसलिए मनुष्य को संस्कार देने का काम भी साथ साथ होने चाहिए। इसलिए किसी एक महापुरुष ने कहा टेक्नोलॉजी के लिए तीन ईज की आवश्यकता है। वन इज टेक्नोलॉजी शुड टेक केयर ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए नेशन, ऑफ ए सोसाइटी, ऑफ ए कंट्री।
रोजगार उत्पन्न करना है, वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए। ये सारे चीज जो इकोनॉमी है, देश के अर्थ की व्यवस्था को सबल बनाए। टेक्नोलॉजी ऑल्सो शुड टेक इन टू अकाउंट द एनवायरमेंट और द इकोलॉजी। ऐसे टेक्नोलॉजी होना चाहिए ऊर्जा कम ले, एनर्जी कंज्यूम करने वाले कितने कम एनर्जी कंज्यूम करें लेकिन प्रदूषण कम करें, पोल्यूशन भी बढ़ाएं एनर्जी। या टेक्नोलॉजी करते समय यह ध्यान में रखने चाहिए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी शुड टेक इनटू अकाउंट द इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। एंड द थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी ऑल्सो शुड एड्रेस टू द इश्यूज ऑफ एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एथिक्स। अब क्लोनिंग है, कई देशों में ह्यूमन क्लोनिंग को उन्होंने बैन किया है। क्यों? कर सकते हैं? नहीं, एथिकली ह्यूमन क्लोनिंग को हम अनुमति नहीं दे सकते, ये विचार हुआ। इसलिए एथिकल चीज को करने के लिए उस एथिक के नियंत्रण में टेक्नोलॉजी को रखना पड़ेगा, एनवायरमेंट के बैलेंस को बनाए रखने वाले टेक्नोलॉजी को विकसित करना पड़ेगा, इकोनॉमी को सबल करना और सही रास्ते पर जाने वाले टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए इन बातों के बारे में भी विचार करना यह आवश्यक है। मैं इसलिए हम सभी जिस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को, अपने अनुसंधान के और आविष्कार के बुद्धि को जहाँ चलाएंगे वहाँ जरूर इन विषयों के बारे में भी हम विचार करें। मनुष्य कंज्यूमर और कंजम्पशन के पीछे जैसे दौड़ता है, ग्रिड बढ़ती है, तो इसलिए मनुष्य उसके भी संयम में रखना है। तो मानवता के, ह्यूमैनिटी के, ह्यूमनिज्म के, ह्यूमन फेस ऑफ टेक्नोलॉजी के चीज़ों के बारे में भी हमें उसको बार बार सोचना पड़ेगा, यह भी आवश्यक है। हम सभी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। मैंने ग्रामीण के संदर्भ में से प्रारंभ किया मेरे कथन को। कभी कभी शिक्षा में आने वाले लोगों को, हम शिक्षित हैं इसलिए बाकी लोगों के संदर्भ में हमें संवेदना होनी चाहिए, वही सही शिक्षा है, सही एजुकेशन है। उस संवेदना के कारण आप लोग का ये जो आविष्कार के, अनुसंधान के जो विचार करते हैं वो स्वाभाविक होता है, केवल अवलोकन अध्ययन से नहीं, संवेदना के कारण। सिंगर सिलाई मशीन के बारे में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में एक बात कही, तो अपने पत्नी के जो उस व्यक्ति ने, सिंगर ने, जब वो सिलाई करते समय कष्ट होता था, वो दिखता नहीं था वगैरह, उसको देखकर वो सिंगर की सिलाई मशीन प्रारंभ हुई। एक संवेदना से एक यंत्र का जन्म हुआ। तो ये संवेदना लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी शिक्षा करने वाले संवेदनहीन होने से क्या होता है, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के कॉलेज के विद्यार्थियों ने गांव में देखने के लिए गए, ट्रिप होते हैं ना, इसमें गए तो वहाँ गांव के खेत के इसमें एक कुल्लू को, एक बैल को बांध कर रहा एक किसान, वो कुल्लू चला रहा था। तो ये सब लोग आए तो उन्होंने किनारे में जाकर बैठे, पानी वानी पिलाया उसको, तो कुल्लू में बैल घूम रहा था, तो उन्होंने कहा बैल के गले में घंटी, तो वहाँ बैठे तो किसान से लोगों ने पूछा, विद्यार्थियों ने, ऐसे आप बैठे हैं तो बैल घूमेगा, कुल्लू चलेगा, ऐसे तो नहीं है वो भी रुक जाएगा, आप पीछे लगेंगे तो? नहीं, ऐसे नहीं है, वो घूमता रहता है क्योंकि मुझे घंटी की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे कहा। तो विद्यार्थी ने कहा, एक ने, यदि बैल एक जगह पर खड़े होकर अपने गर्दन को हिलाता रहेगा तो घंटी बजेगी ना, तो आपको कैसे मालूम होगा, आपको तो लगेगा वो घूम रहा है। तो एक क्षण किसान ने सोचा, तो उसने कहा, मेरे बैल आपके जैसे कॉलेज नहीं गया है, तो ये अप्रामाणिकता उसके होने नहीं है। मैंने इसलिए कहा, बहुत बार हिंदुस्तान में और दुनिया में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग
देश के साथ ज़्यादा अन्याय भी किए हैं। मैं बहुत गंभीरता से बात आपको बता रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाने वाले गरीब आपसे 5 रुपए ज़्यादा मांगता होगा। सब्जी बेच रही कोई महिला सड़क पर बैठी हुई 2 आने ज़्यादा मांग रही होगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए चुना नहीं लगाए किसी को। यूनिवर्सिटीज में आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़ाई किए, समाज में प्रतिष्ठित हुए, ऐसे लोगों ने फैक्ट्रियों को डुबाया, बैंक्स को डुबाए, देश को चुना लगाया, करोड़ों रुपए गबन किया, ये कैसे हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, हायर एजुकेशन इज मोर रिक्वायर्ड, नो डाउट अबाउट इट, बट सेम टाइम इफ एजुकेशन साइंस मोरालिटी, संस्कारविहीन शिक्षा, संवेदनहीन शिक्षा, मानवताहीन शिक्षा, ये शिक्षा नहीं होती। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के आधार पर टेक्नोलॉजी का विकास, टेक्नोलॉजी का कोई मैं विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने, ये आवाज है तो टेक्नोलॉजी के कारण मिल रही। और जिन्होंने जीवन को विकसित किया वो सब ऋषि लोग हैं। कापस से रुई से कपड़े बनाया, किसने बनाया हम नहीं जानते, आज नाम नहीं जानते। चावल से गेहूं से अन्न बनाकर हमें, हम खाने वाली चीज बनाए ना, वो कौन था? वी डोंट नो। हु इन्वेंटेड द व्हील? ह्यूमैनिटी डजंट नो। उन सभी लोगों ने जो कार्य किया वो ऋषियों का काम किया, उन्होंने मानवता के लिए किया, अपने नाम भी नहीं छोड़ा, मालूम नहीं लोगों को, लेकिन मानव की सभ्यता आगे बढ़ती। इसलिए उस ऋषि ऋण को चुकाने का, ऋषियों का काम आप सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको फिर से एक बार अभिवादन अभिनंदन। आपके जीवन में आपके संकल्प आपके सपने पूर्ण हो, यही शुभकामनाएं देते हुए आप सबको धन्यवाद दूंगा।